कभी जो भूलना चाहूं, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो। ओ मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे क्यों याद आते हो, मुझे क्यों याद आते हो। हाय गाइस, मैं एनएस पांडे स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल द रूट्स इंग्लिश में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं बड़ा ही शानदार कंसेप्ट, जिसमें मैं आपको 10 ऐसे ट्रांसलेशन सिखाऊंगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी जाना भी नहीं होगा, और आप उसके बारे में वैसा सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए, मैं आज इन 10 ट्रांसलेशंस को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये 10 का दम मैं दिखाने जा रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए, एक एक ट्रांसलेशन को जरूर देखिएगा, एक एक ट्रांसलेशन को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, आपका है पहला ट्रांसलेशन, कल किसने देखा है। कुछ लोग बना देते हैं हु हैज सीन द टुमारो, ये गलत हो जाता है। कल किसने देखा है, तो इसका ट्रांसलेशन होता है टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। आप डायरेक्ट अपना कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और एक एक ट्रांसलेशन को लिख जाइए, क्योंकि मैं इस प्रकार के और भी ट्रांसलेशन आपको दूंगा जो इंग्लिश स्पीकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश बोलते बोलते रहते हैं और बीच में जाकर के अटक जाते हैं, ये सभी चीजें आती हैं बीच में। चलिए, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, इसका इंग्लिश होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा मैन मस्ट फियर टाइम, मैन मस्ट फियर टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मिलने के लिए बिछुड़ना जरूरी है, फिर मिलने के लिए बिछुड़ना जरूरी है, फॉर रीयूनियन सेपरेशन इज इसेंशियल, फॉर रीयूनियन सेपरेशन इज इसेंशियल। इसके बाद क्या है, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए, सॉरी, तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी, तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी, वन में एनवी यू, वन में एनवी यू, तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी। हम लोग नहीं बोलते हैं, आपस में बोलते हैं कि तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी, तुम ऐसा काम मत किया करो ना, ज्यादा डेवलप मत किया करो, ज्यादा उन्नति मत किया करो। कहे कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब हमारे यहाँ कोई तबीयत जिसका खराब रहता है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले, तो हिज डेज आर नम्ड, हिज डेज आर नम्ड, वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। अगला है, उसका जन्म अशुभ घड़ी में हुआ, उसका जन्म अशुभ घड़ी में हुआ, तो ही वॉज बर्न इन इविल आवर, ही वॉज बर्न इन इविल आवर, उसका जन्म अशुभ घड़ी में हुआ। आपके दिए 10 रुपये मेरे लिए लाखों के समान है। लोग नहीं बोलते कि आप 10 रुपये मुझे दे देंगे, मेरे लिए लाखों के समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, योर 10 रुपीज इज वर्थ मिलियन टू मी, योर 10 रुपीज इज वर्थ मिलियन टू मी। इसके बाद चलो अपनी दुश्मनी भूल जाए, लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, अब चलो अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं, चलो अपनी दुश्मनी भूल जाए, लेस ब्यूरी आवर हॉस्टिलिटी, लेस ब्यूरी आवर हॉस्टिलिटी, चलो अपनी दुश्मनी भूल जाए। इसके बाद है, वह हमारे दल का नहीं है, वह हमारे दल का नहीं है, ही इज नॉट आवर नंबर, ही इज नॉट आवर नंबर, वह हमारे दल का नहीं है। इसके बाद जो लास्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है, वह बाल ब्रह्मचारी है, वह बाल ब्रह्मचारी है, तो ही इज सेलिबेट, ही इज सेलिबेट, वह बाल ब्रह्मचारी है, ही इज सेलिबेट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछ सकते हैं कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। चलिए, तब तक के लिए, इतना देर के लिए वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।